हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं विलास और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट ऐसे को, ये होगा आत्मनिर्भर भारत पर। ठीक है, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा आप सभी के लिए टॉपिक, तो इसको आप जरूर तैयार करिए अपने एग्जाम के लिए। इसके साथ ही साथ इन बुक्स को आप ले सकते हो जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी। इसमें आपको 60 प्लस टॉपिक्स मिल जाते हैं जिनको आप कवर कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर तरीके से कर सकते हो। ठीक है, विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। यहाँ पर लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे और एसे और लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अलग से दो बुक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको और लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिल जाएगी, 30% एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इनको बाय कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, लेट्स स्टार्ट। तो शुरुआत फ्रेंड्स कैसे करनी है इस टॉपिक की, ये देख लेते हैं आप कैसे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करोगे बेहतर तरीके से। राइट, तो यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली अनाउंस्ड द आत्मनिर्भर भारत अभियान विच इज आल्सो नोन एज सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन। ठीक है, आप यहाँ पर आप बता सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की, जिसको हम लोग सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन भी बोलते हैं। ठीक है, द एम ऑफ दिस मिशन इज टू सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशियंसी। ठीक है, जो एम है इस मिशन का वो क्या है, बेसिकली सेल्फ रिलायंस या फिर सेल्फ सफिशियंसी। ठीक है, सेल्फ सफिशियंसी का मतलब क्या है कि हमें दूसरी कंट्री पर डिपेंड ना होना पड़े, हम खुद से ही सारे जो भी हमारी नीड्स हैं, जो भी हमारी कंट्री की नीड्स है, उन सभी चीजों को डेवलप कर सकें। राइट, तो इसीलिए बेसिकली इस मिशन को लॉन्च किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी हैज आल्सो अनाउंस्ड टू प्रोवाइड एन इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज ऑफ 20 लाख करोड़ विच इज 10% ऑफ इंडिया जीडीपी। ठीक है, आप ये भी बता सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज की घोषणा की है जो कि 20 लाख करोड़ का है। ठीक है, जो कि 10% इंडिया के जीडीपी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो ये जो पैकेज है ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होगा हमारी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में ये लिक्विडिटी क्रिएट करेगा। ठीक है, लिक्विडिटी का सेंस मतलब हमारी इकोनॉमी में पैसा आएगा, तो उसकी वजह से क्या है कि जो अलग अलग से जो बेसिकली फैक्ट्रीज हैं, एमएसएमई सेक्टर है, जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनको बेसिकली बढ़ावा मिलेगा और एक तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ेंगी। ठीक है, जो लेबर्स हैं उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनको भी काफ़ी इसका फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है ये करीब 10% इंडिया की जीडीपी के बराबर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा इंडिया को बूस्ट करने में, यहाँ की बेसिकली जो अभी करेंटली जो इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। राइट, दिस पैकेज एम्स टूवर्ड्स अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन By injecting more money into the economy। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि ये जो पैकेज है एक तरह से इसका एम क्या है, जो ऑब्जेक्टिव है सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन को अचीव करना। ठीक है, यानी कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना सभी चीज़ों के लिए, जो भी चीज़ें हम बाहर से मंगाते हैं उन सभी चीज़ों को खुद डेवलप करना, खुद से बनाना, एक तरह से खुद रिलायंट, सेल्फ रिलायंट होना, यही इस मिशन का ऑब्जेक्टिव है। राइट, और ये इसके लिए बेसिकली ये जो अमाउंट है ये बेसिकली दिया जा रहा है ताकि जो मनी है वो इंजेक्ट हो सके इकोनॉमी में, जिससे कि सारे ही सेक्टर्स जो है बूस्ट हो पाएंगे। राइट, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसके बारे में बता सकते हो, ओवरव्यू दे सकते हो इस टॉपिक के बारे में। राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कैसे एक्सप्लेन करना है इस टॉपिक को, शुरुआत कैसे करोगे। राइट, आगे बढ़ते हैं बॉडी सेक्शन में। To address COVID-19 breakdown and subsequent lockdown in India, which has led to economic slowdown, self-reliant India mission is launched. ठीक है, अभी आप ये बता सकते हो self-reliant India mission को launch क्यों किया गया, इसकी जरूरत क्या पड़ी। तो mainly जो है COVID-19 outbreak की वजह से जो subsequent lockdown चल रहा है इंडिया में, एक के बाद एक lockdown आते जा रहे हैं, जो phrase है lockdown के वो change होते जा रहे हैं, तो इससे क्या हुआ, economic slowdown हो गया है। ठीक है, एक तरह से आप कह सकते हो इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन डेवलप हो चुकी है। ठीक है, अब इस इकोनॉमिक क्राइसिस से उभरने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें और भी ज़्यादा बेसिकली अपने को बेटर बनाने की जरूरत है। इकोनॉमिक स्लो डाउन में बेसिकली मनी जो है जब तक सर्कुलेशन में नहीं आएगी तब तक जो है ये इकोनॉमिक स्लो डाउन खत्म नहीं होगा, तो इसीलिए इस मिशन को लॉन्च किया गया, इसीलिए इस मिशन की शुरुआत की गई। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको एक्सप्लेन कर लोगे।
इसके बाद देखो द इकोनॉमिक पैकेज विच इज 10% ऑफ इंडिया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी इन 2019-20 इज अनाउंस विच इंक्लूड पैकेजेस ऑलरेडी अनाउंस एट द बिगिनिंग ऑफ द लॉकडाउन इनकॉर्पोरेटिंग मेजर्स फ्रॉम द आरबीआई एंड पे आउट अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ठीक है, आप ये भी बता सकते हो जो इकोनॉमिक पैकेज लॉन्च किया गया है, इकोनॉमिक पैकेज जो ये बेसिकली अनाउंस किया गया है जो कि 10% के बराबर है इंडिया के जीडीपी के, जो 2019-20 की जीडीपी थी उसके 10% के बराबर है। इसमें वो पैकेजेस भी इंक्लूडेड हैं जो कि लॉकडाउन के शुरुआत में अनाउंस किए गए थे। ठीक है, यानी ये पूरी तरह से इंक्लूसिव होगा। 20 लाख करोड़ का जो यहाँ पर पैकेज दिया गया है ये पूरी तरह से इंक्लूसिव पैकेज है जिसमें शुरुआत के जो पैकेजेस है वो भी इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो आरबीआई की तरफ से जो मदद हो रही है, आरबीआई की वजह से जो मेजर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो भी इंक्लूडेड है, साथ ही वो पे आउट्स भी इसके अंतर्गत इंक्लूडेड है जो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दिए गए थे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके बारे में बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कैसे इस टॉपिक के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। राइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बॉडी सेक्शन में कंटिन्यू करते हैं। दिस मिशन विल इनेबल अवर कंट्री टू कट डाउन इम्पोर्ट डिपेंडेंस। अब देखो ये जो मिशन है एक तरह से हमारी कंट्री को एक तरह से इनेबल बनाएगा ताकि जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है उसको कम किया जा सके, उसको रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, इट विल ऑल्सो फोकस ऑन सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक तरह से ये जो बेसिकली मिशन है ये किस पे फोकस्ड है, सब्स्टिट्यूशन पर फोकस्ड है। ठीक है, यानी कि हम बेसिकली जो प्रोडक्ट बाहर से मंगाते हैं उनका सब्स्टिट्यूट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें अलग से जो है बाहर से कुछ भी मंगाना ना पड़े। ठीक है, जो इम्पोर्ट ना करना पड़े। राइट, और साथ ही साथ क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू गेन ग्लोबल मार्केट शेयर। ठीक है, अपने ऊपर यहाँ पर बेसिकली जो हमारी क्वालिटी है प्रोडक्ट्स की उस पर भी फोकस करना है ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ग्लोबल मार्केट भी गेन कर सके। ठीक है, ग्लोबली जो है वो प्रमोट हो सके। राइट फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर आप इसके बता सकते हो कि जो मिशन है किस चीज पर फोकस कर रहा है, इसका मेन मिशन क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, द मिशन फोकसेस ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रमोटिंग लोकल प्रोडक्ट्स टू ग्लोबल मार्केट्स एंड इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ अ हेल्पिंग हैंड टू द होल वर्ल्ड। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो ये जो मिशन है ये इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रमोटिंग लोकल प्रोडक्ट यानी लोकल प्रोडक्ट को प्रमोट करने पर भी फोकस करता है। ठीक है, जो लोकल प्रोडक्ट्स उनको ग्लोबल मार्केट्स में फोकस बेसिकली क्या है, उनको ग्लोबल मार्केट्स तक पहुँचाना और एक तरह से एक हेल्पिंग हैंड तरह क्रिएट करना पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे विश्व के लिए। राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे मूव करते हैं। दिस मिशन विल बी इम्प्लीमेंटेड इन टू फ्रेजेस। इन द फ्रेज वन इट विल कंसिडर ऑल एसेंशियल सेक्टर्स लाइक मेडिकल, टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक्स एंड टॉयज वेयर लोकल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स विल बी प्रमोटेड। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि ये जो मिशन होगा ये टू फ्रेजेस में बेसिकली इसको क्या किया जाएगा, इसको कंसिडर किया जाएगा या फिर आप कह सकते हो इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इसके अंतर्गत जितने भी एसेंशियल सेक्टर है, फर्स्ट जो फ्रेज होगा इसमें सारे एसेंशियल सेक्टर्स इंक्लूड होंगे। ठीक है, इनमें आपका मेडिकल सेक्टर इंक्लूड है, टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक्स एंड टॉयज, ये सारे ही सेक्टर्स जो है इसके अंतर्गत इंक्लूडेड है ताकि जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसके बारे में बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं यहाँ पर कंक्लूजन में। दीज आर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स। अब आप ये भी कह सकते हो कि ये जो शुरुआत का फ्रेज वन के जो एसेंशियल जो सेक्टर्स हैं ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं। ठीक है, देयर बाय इट विल प्रोवाइड ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री। ठीक है, तो ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर है इसलिए ये क्या करेंगे, एक तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो एक तरह से हमारी कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस होगी, काफ़ी हद तक रिड्यूस होगी। ठीक है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा स्टिमुलस मिलेगा हमारी कंट्री को और जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी तेज़ी से बढ़ेंगी, वो भी तेज़ी से गेन होंगी। राइट, इन फ्रेज टू इट विल कंसिडर प्रोडक्ट्स लाइक जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा एंड स्टील एक्सेट्रा। अब आप ये भी कह सकते हो सेकेंड फ्रेज में जो है इसमें वो प्रोडक्ट्स बेसिकली इंक्लूड किए जाएंगे जैसे कि जेम्स हैं, ज्वेलरी हैं, फार्माक्यूटिकल्स हैं और स्टील वगैरह हैं, तो इस टाइप के जो हैं ये सेकेंड फ्रेज में कंसिडर किए जाएंगे। राइट फ्रेंड्स,
द प्रोग्रेस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्फ लाइंड इंडिया मिशन हैज डेफिनेटली शोन द राइट पाथ एंड विल सेव अवर कंट्री फ्रॉम इकोनॉमिक स्लो डाउन फ्रॉम दिस लॉकडाउन क्राइसिस इन इंडिया। ठीक है, आप यहाँ पर कंक्लूड करते हुए लिख सकते हो जो प्रोग्रेस और ऑब्जेक्टिव एंड सेल्फ लाइंड इंडिया मिशन के वो डेफिनेटली राइट पाथ को शो करते हैं और एक तरह से ये जो है, ये जो एफर्ट्स हैं इसके थ्रू हमारी कंट्री जो है इकोनॉमिक स्लोडाउन से बाहर आएगी जो कि लॉकडाउन की क्राइसिस की वजह से है इंडिया में। ठीक है, तो एक तरह से हमारे इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और ओवरऑल ये जो मिशन है सक्सेसफुल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हो, बेहतर तरीके से दिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा इस टॉपिक को कैसे लिखना है और किस तरह से इसको आपको एक्सप्लेन करना है। राइट फ्रेंड्स, इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिए और लाइक करिएगा इस वीडियो को, शेयर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स में और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट करके सजेशन भी दे सकते हो कोई टॉपिक अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो, और आप मुझे अनअकैडमी पर ही फॉलो कर सकते हो और मेरे कोर्सेज को देख सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।